सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हम कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा कहता है, अजीब टाइप का लिखा हुआ है। इसमें लिखा लॉग ब्रैकेट में log x माइनस log y इज इक्वल टू e टू पावर x स्क्वायर y इन ब्रैकेट 1 माइनस log x। तो जल्दी बता दिया हमने, और आपको y डैश e निकालना है। पहली बात, यहाँ पर log का बेस e है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। यहाँ लिखा log ब्रैकेट में log x बेस e माइनस log y टू बेस e टू होल बेस e इज इक्वल टू e टू पावर x स्क्वायर y इन ब्रैकेट 1 माइनस log x बेस e, और y डैश e की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको dy by dx निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू e रख देना है। ठीक है, क्योंकि x को e रखना है, इसलिए इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर log भी बेस लिखा हुआ है। अदरवाइज कैलकुलस इस चीज़ की इजाज़त देती है, अगर आप कहीं बेस नहीं लगाते हैं तो बेस e मान लिया जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मोबाइल देख रहा हूँ। ठीक, देखो अब एक लफड़ा ये आएगा, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो बात की बात है। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डी आर डी एक्स निकालता हूँ, तो क्या वाई का टर्म नहीं आएगा? वाई भी तो आएगा ना, वाई भी आएगा, एक्स भी आएगा। तो एक्स की जगह तो ई रख देंगे, वाई की जगह क्या रखेंगे? एक कोऑर्डिनेट होगा ना, ये एक्स वाई प्लेन का एक इक्वेशन है भाई। ये जो इक्वेशन है किसी कर्व का होगा ना, कोई उत्प्रांग कर्व होगा किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एक इक्वेशन है, उसी का इक्वेशन है ना, उसी के किसी पॉइंट पे स्लोप निकाली, उसी को कहते हैं डीआरडीएक्स। तो जो डीआरडीएक्स निकालेगी तो वहां वाई भी तो आने वाला है ना, तो पहले एक्स को ई यहां रखो और वाई का मान निकालो। ठीक है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ई इन इक्वेशन वन, रखो यहां क्या जाएगा, लॉग बेस ई इन ब्रैकेट लॉग ई टू बेस ई माइनस लॉग वाई टू बेस ई इज इक्वल टू e टू पावर x को आप e रखना, तो e स्क्वायर y इन ब्रैकेट 1 माइनस log e टू बेस e। सावधान, किसी भी log की वैल्यू उसी बेस 1 होती है, तो log e टू बेस e तो 1 होने वाला है, 1 माइनस 1 0 होने वाला है, यानी राइट हैंड साइड 0 होने वाला है। अब देखो ध्यान, ये क्या है log बेस e, ये 1 माइनस log y टू बेस e बराबर 0। अब लॉग को कैसे हटाएं, देखो ध्यान से, हम इस लॉग को हटाते हैं तो आएगा 1 माइनस लॉग वाई टू बेस ई बराबर ई टू पावर 0, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, ये 1 होता है, तो 1 माइनस लॉग वाई टू बेस ई बराबर 1, 1 1 कट गया, तो माइनस लॉग वाई टू बेस ई बराबर 0, तो लॉग वाई टू बेस ई बराबर 0, तो यानी वाई बराबर ई टू पावर 0, यानी कि 1, तो वाई का मान क्या आने वाला है, यानी जहां पर एक्स की वैल्यू ई आने वाली है वहां पर y की वैल्यू 1 आने वाली है, यानी हमको जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट 1, e, 1 लिख देंगे, x को e रख देंगे, y को 1। बात समझ आ गई, हमने क्यों निकाला समझाया। अब आप इसको डेरिवेटिव, अब आप कहें हम ना निकालें तो ना निकालो, अगर आप नहीं निकालोगे ना तो आपका जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें, वो एक अलग की बात है कि डीआरडीएक्स निकल आएगा, लेकिन एक्स को जब मान रखोगे तो आंसर वाई की तरफ आएगा, वाई होगा वहां। ठीक, आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, आपको वाई का मान नहीं निकालना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, देखो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग ये एक्स होना चाहिए, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स बोले तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई टू बेस ई सब में है, फिर इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1 अपान x, तो x के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, और log y का 1 अपान y, और उसके साथ क्या लिखा जाएगा dy by dx। बात समझ आ गई, इज इक्वल टू उधर ये रख करेंगे, y डैश का मतलब dy by dx, और x को e रखना है, बाद में रखेंगे y को 1 रखना है। यहां देखो प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन e टू पावर x स्क्वायर y, यहां करेंगे 1 का 0 log x का 1 अपान x, प्लस सेकेंड फंक्शन 1 माइनस लॉग एक्स टू बेस ई, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ध्यान से, ई टू पावर एक्स स्क्वायर वाई का ई टू पावर एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर वाई का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर
वाई का डीवाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन वाई और एक्स का टू एक्स, इतना हमने डायरेक्ट कर दिया है ये मानते हुए कि डेरिवेटिव आपको आता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते, नहीं आता है। अगर इस एक्सरसाइज की कमेंट बॉक्स में आपने लिखा तो हम कहेंगे आपने पहली एक्सरसाइज को नहीं लिखा, लिख देना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम इसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, जानबूझ के नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम, यहीं पर क्या करने वाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू e एंड y इज इक्वल टू 1। कुछ हद तक हमारा कुछ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, हम कहेंगे डेरिवेटिव निकाल लेंगे। देखो देखिए, जब x को e और y को 1 रखिए, जरा देखो क्या रिजल्ट आता है। तो यहां क्या आने वाला है, 1 अपॉन, जरा देखिए ध्यान से, log e टू बेस e 1 हो जाएगा माइनस log 1 टू बेस e 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू किसी बेस पे 0 होती है ना। ब्रैकेट देखिएगा, 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन 1 यानी आएगा dy by dx इज इक्वल टू, यहां x को आप e रख रहे हैं तो देखो ध्यान से यह क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन e इंटू e टू पावर e स्क्वायर इंटू 1 यानी e टू पावर e स्क्वायर प्लस, यहां देखिए सावधान, 1 माइनस log e टू बेस e 1 हो जाएगा इंटू e टू पावर e स्क्वायर 2 e प्लस e स्क्वायर dy by dx। इसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 माइनस 1 0 आने वाला है, ये पूरा स्टेप 0 हो गया, ठीक है। यहां क्या बचा, ये तो 1 हो गया, तो आएगा 1 अपॉन e माइनस dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन e e टू पावर e स्क्वायर। चूंकि आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर शिफ्ट करो, इसको इधर ले आओ, तो 1 अपॉन e प्लस 1 अपॉन e इंटू e टू पावर e स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस e टू पावर e स्क्वायर by e, ये आंसर आ रहा है क्या जी, वेरी गुड। मतलब ये क्या निकला, एक्चुअली ये y डैश निकला e पर, 1 प्लस e स्क्वायर by e। तो ये आपसे प्रूफ के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।